Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri मैम। IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं पेपर 2023 से लिया हुआ एक MCQ। आपने देखा होगा इस एग्ज़ाम के लिए मेरे चैनल पर 100 से भी ज़्यादा सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ये सब MCQs मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, उनमें से कई नैट क्वेश्चंस भी है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो सब सिर्फ पढ़ना ये बात नहीं है, जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो ये एक तरीका है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी बेसिस पर मैं अपने चैनल पर काम करती हूँ, आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करा के लेती हूँ। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू मतलब जो वेसल्स की तरह है, जो एक जगह से दूसरी जगह वाटर और फूड कंडक्ट करते हैं, राइट। तो इनमें से ये वैस्कुलर टिश्यू कौन से नहीं है ये हमें बताना है। ऑप्शंस में है फ्लोएम, पेरिडर्म, स्टीली और जाइलम। तो यहाँ पर देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फ्लोएम इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, जो दोनों तरफ से चलता है। लीव्स में जो फूड बनता है वो नीचे की तरफ, रूट्स की तरफ पहुँचाया जाता है, और ये जो फ्लोएम है इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ भी रहती है। जाइलम जो है वो है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, जिसकी वन वे डायरेक्शन होती है, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करो और ऊपर लीव्स तक पहुँचा दो। तो ये जाइलम, फ्लोएम जो है वो वैस्कुलर टिश्यूज़ है। स्टीली इज, दिस कैन बी कॉल्ड एज अ अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। स्टेम में जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट किस तरीके से है उसे स्टीली कहा जाता है। उसमें देखो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एक्टिनोस्टीली, प्लेक्टोस्टीली, सिफोनोस्टीली। तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से रहता है। हमेशा जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ, ये तो फिक्स है। अगर उसमें भी उनकी अलग अलग अरेंजमेंट रहती है, जिसे हम स्टीली कहते हैं। सो दिस वर्ड इज अगेन रिलेटेड टू वैस्कुलर टिश्यूज। फिर बचता है पेरिडर्म। पेरिडर्म इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ प्लांट। तो यही आंसर होना चाहिए। इस इमेज में हमने कॉर्क के बारे में हम देख रहे हैं। इस इमेज में, ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर मैंने शेयर किया हुआ है, और ये सोर्स क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये अगर हम देखें, हार्टवुड सबसे बीच में, उसके बाहर सैपवुड, वैस्कुलर कैम्बियम उसके बाहर दिखाई देता है, लिविंग फ्लोएम उससे भी बाहर, कॉर्क, कैम्बियम और कॉर्क। तो आउटर मोस्ट में कॉर्क है, उसके अंदर कॉर्क, कैम्बियम है, इन दोनों को मिला के पेरिडर्म कहा जाता है, राइट। सो दिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर इन द आउटर मोस्ट साइड, एंड दिस इज नॉट अ वैस्कुलर टिश्यू। तो वही पूछा है, वैस्कुलर टिश्यू इसमें से कौन सा नहीं है। तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, पेरिडर्म। ठीक है, Got it? इस तरीके से इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मैं आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। gauriharshal24@gmail.com ये मेरा मेल आईडी है। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझसे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन भी है जहाँ पर आप आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।